हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आई एस एन पी सी एस में। और आपके लिए हम लाते रहते हैं सभी नेट से एनटीए से जुड़ी हुई खबरें और काफ़ी सारे अदर एग्जाम्स की भी न्यूज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आज एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आपके लिए, एनटीए की तरफ से आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। तो कैसे देखनी है आंसर की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको UGCNET.NTA ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो वेबसाइट पे जा करके आपको क्या करना है कि पेज आपका ओपन हो जाएगा। UGCNET की जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिएगा दोस्तों। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही पेज ओपन होगा आपका, तो यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन ऑप्शन में देखेंगे तो एक तो आपको पहले पता होना चाहिए एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, आपके मेल में आया होगा, जो मेल आपने रजिस्टर करा होगा फॉर्म भरते वक्त, उस मेल आईडी पे आप चेक कर लीजिएगा एनटीए डाल के, तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप एनटीए डालेंगे तो आपको मेल में दिख जाएगा एप्लीकेशन नंबर आपका। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप ये वाला देख लीजिएगा, DOB वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दो लिंक दिए गए हैं, चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, वेट अ मिनट, चाहे तो आप इसे क्लिक करके भी देख सकते हैं, चाहे इसे करके, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ओके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे या इस लिंक पे, दोनों में से एक लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो जनरली डेट ऑफ बर्थ वाले पे क्लिक कर लेते हैं और फिर इसके बाद में आगे चलते हैं हम। क्लिक करते ही पेज ओपन हो जाएगा गाइस। यहाँ पे देखिए लॉगिन के लिए, लॉगिन एप्लीकेशन वाला हमने करा था, DOB डेट ऑफ बर्थ वाला, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। और एप्लीकेशन यहाँ फिल करिएगा और डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसे मेंशन करने के बाद गाइस, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन और देना है आपको। सिक्योरिटी पिन ध्यान से देखिएगा, कैप्स में तो कैप्स में और नंबर है तो नंबर, उस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा, व्यू क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपने जो पेपर किया था, ठीक है, जो पेपर आप करके आए थे, वो पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसी लिंक को क्लिक करते हैं, ठीक है। ये वाला जो लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वो पेपर आपको दिख जाएगा। और नीचे वाले पे आपका आंसर की वाला जो है, जो एनटीए की तरफ से आंसर की आया है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपने किया है उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो रेस्पॉन्स, जो आपने पेपर किया था, रेस्पॉन्स शीट, ठीक है, जिसे हम रेस्पॉन्स शीट कहते हैं, वो आपकी ओपन हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब रेस्पॉन्स शीट में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दिए रहेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, ओके। मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आईडी है 4118। अब आप इसके लिए या तो लास्ट के टू नंबर या थ्री डिजिट मैंने कही थी, तो 4118 या 118 याद रखिए, ठीक है। और देखिए 4118 का आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट आपने लगाया है, वो लगाया 15936। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, 4118 का जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा 15936, ठीक है, ये वाला। यानी आपने जो आंसर गिवन किया है वो किया है, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था, क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शन आईडी आपको देखने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आईडी कितना है आपका, 15936, ठीक है। आपने जो आंसर दिया है वो यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो है 15936। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी देखना है, तो ऑप्शन आईडी यहाँ पे आपका 15936 मैंने जूम कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं और भी हैं, तो इसके जो पीछे के डिजिट हैं वो टू डिजिट ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी से हम मैच कर लेते हैं कि जो पर्सन है उन्होंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर सही दिया था। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैक, और अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो, और डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो आप दोनों पेज खोल के रख सकते हैं। तो पहले मैंने आपसे रेस्पॉन्स शीट खुलवाई थी, अभी आपको आंसर की वाला क्लिक करना पड़ेगा लिंक। तो आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस, इस लिंक पे क्लिक करते ही क्या होगा, आप आंसर को चेक कर पाएंगे कि सही है या नहीं है। ये एनटीए की तरफ से प्रोवाइडेड होता है।
यहाँ पे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और इस तरीके का पेज आपको दिखेगा चैलेंज, यहाँ पे रिगार्डिंग आंसर की, ठीक है। एक तो आपको आंसर की मिल जाएंगे यहाँ पे जो एनटीए की तरफ से प्रोवाइडेड है, बाकी आप इसे चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं बता दूंगी कैसे चैलेंज कर सकते। देखिए अब यहाँ पे क्लेम आंसर की आ गया है, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आईडी है एंड करेक्ट ऑप्शन है। जो आपका क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन आईडी वहाँ पे देखे थे जो मैं बता रही थी आपको, उस क्वेश्चन आईडी से हमें मैच करना है कि जो ऑप्शन हमने वहाँ पे चूज़ करा था वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और बाकी ये जो क्लेम वाला पार्ट है, अगर आपको लगता है कि सपोज़ किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और वो सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या सही लगता है उसे आप फिल के दे सकते हैं। जैसे सपोज़ एनटीए ने ये आंसर दिया और सपोज़ हमें लगता है ये आंसर सही है, तो हम इनके लिए क्लेम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लेम हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज, ठीक। अब देखिए गाइस, आपको आंसर चेक करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4118 जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन 15936 हमने ऑप्शन आईडी में यही देखा था, ठीक है। आप बैक करके देख लेना भले वीडियो को, ऑप्शन आईडी में हम लोगों ने देखा था, जिनकी कॉपी है जिनका पेपर हम देख रहे हैं 15936, तो ये 4118 का क्या हो जाएगा, 15936 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये सही है, ठीक है। तो उनको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं सिंपली। और अगर क्लेम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको क्लेम करना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है तो उसको आप कर सकते हैं। क्लेम करने के चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, बने रहिए वीडियो के अंदर। हम लोग बहुत जल्दी इसके आंसर की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसकी कट ऑफ के बारे में लेके आएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की। थैंक यू गाइस, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। और जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो बिल्कुल उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस।